व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है यार। आज बात करने आए हैं खासकर एक स्मार्ट टीवी खरीदने के लिए। बहुत सारी लोग गलती करते हैं, कुछ लोगों को 4K टीवी खरीदनी, कुछ लोगों को फुल एचडी टीवी खरीदनी, किसी को 32 इंच की टीवी खरीदनी, किसी को QLED टीवी खरीदनी है, लेकिन आदमी समझ ही नहीं पाता भाई साहब क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना चाहिए बस कुछ पैसों के लिए कई कई चीज़ों। तो यहाँ पे देखिए, ओके, अगर आप कोई भी स्मार्टफोन खरीद रहे हो, खासकर आप कोई स्मार्टफोन खरीदो, उस समय तो मैं आपको बोल दूंगा कि भाई साहब हाँ स्मार्टफोन थोड़ा सा सस्ता खरीद लीजिए आप। मतलब अगर आप 25,000 का खरीद रहे हो तो उसके 20,000 रुपये का स्मार्टफोन खरीद लो, क्योंकि हर 2 से 3 साल में आदमी स्मार्टफोन बदल देता है। लेकिन स्मार्ट टीवी के मामले में मैं तो कहूँगा कि आपको अपना उल्टा बजट बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक स्मार्ट टीवी नॉर्मली आदमी यूज़ करता है कम से कम 10 साल के लिए। मिनिमम से मिनिमम आदमी 7 साल के पहले स्मार्ट टीवी बदलना नहीं चाहता। 7 से 8 साल की आजकल की स्मार्ट टीवी की लाइफ है। इतने साल तक जब स्मार्ट टीवी चल रही है और आपको उसमें इतनी सी भी दिक्कत अगर मिली है तो वो 7-8 साल तक आपको दिक्कत झेलनी पड़ेगी। बाकी बात की बात है, अगर आप चेंज करना चाहते हो जल्दी तो बात की बात है। लेकिन अगर आप सोचो कोई भी आप स्मार्ट टीवी खरीद रहे हो, आपने खाली समझ लीजिए कोई टीवी है 35,000 की और एक टीवी है 30,000 की। 35,000 की टीवी में अच्छी चीज़ मिल रही है, अच्छी चीज़ें मिल रही है, 30,000 की टीवी में फ्लिकरिंग मिल रही है आपको बार बार। लेकिन आप सोचो कि 30,000 रुपये बच रहा है यार, फ्लिकरिंग वाली टीवी ले लेते हैं, क्या जा रहा देखा जाएगा। लेकिन आप 8 साल तक उस चीज़ को झेलोगे। कई सारी टीवी में आजकल जैसे आप देख रहे हो फ्लिकरिंग होती है, कुछ कुछ टीवी में जैसे ऐप्स खोलते हो बहुत देर में ऐप्स खोलते हैं, कुछ कुछ टीवी में अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो बहुत तेज़ी से जिटरनेस होने लग जाती है उस टीवी में। मतलब गेमिंग के हिसाब से टीवी नहीं बनी है स्मार्ट टीवी। इतनी सारी चीजें होती हैं। आपको चलो जल्दी से कुछ चीजें मैं गाइड कर देता हूं क्या क्या चीजों को खासकर हमें ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और साथ साथ प्लीज मेरे चैनल को जाकर भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिए। तो यार बात करिए, अगर आप यहां तक आ चुके हो तो एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, जितनी भी अच्छी टीवी, खासकर अगर आपको 32 इंच की बेस्ट टीवी खरीदनी है, फुल एचडी टीवी खरीदनी है, 43 इंच में आपको फुल एचडी या फिर 4K टीवी खरीदनी है, QLED टीवी खरीदनी है या फिर OLED टीवी खरीदनी है, मैंने सारी टीवी का नाम लिया, अच्छी टीवी होंगी ना इन सब रेंजों में, जितनी भी अच्छी टीवी होंगी सबकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। कोई भी टीवी आपको लेनी, चाहे QLED, चाहे 4K, चाहे 32 इंच, चाहे OLED, चाहे QLED, सबकी लिंक्स मैंने, अच्छी टीवियों की लिंक्स ही मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली, जिसको मैंने खुद टेस्ट किया हुआ है। जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, आपको जो पसंदीदा टीवी उस पर क्लिक करके आप अपने पसंदीदा टीवी खरीद सकते हो। अब आगे बात करिए, सबसे पहली चीज डिस्प्ले, क्योंकि आदमी अगर डिस्प्ले पे ही ना ध्यान दे और सोचे स्पीकर बहुत बढ़िया लगे तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपको मैं समझाना चाहूंगा, एग्जाम्पल तौर पर बताता हूँ। जैसे आप खासकर अगर 32 इंच की टीवी ले रहे हो, 32 इंच की टीवी ज्यादातर आपको HD रेडी टीवी मिलती, 99.99% टीवी HD रेडी मिलती, मतलब 720p की। उसके ऊपर आप 4K टीवी लेना चाहते हो तो आपको 43 इंच की टीवी लेनी पड़ेगी फुल HD के लिए। 32 इंच की टीवी में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आजकल कंपनी जैसे एसर कंपनी आ गई है, कैरियन कंपनी आ गई है, क्रोमा कंपनी आ गई है, इन सब कंपनियों की टीवी ले लेते हैं, क्योंकि उनको 7,000-10,000 की पड़ जाती है। बल्कि उसके बदलाए आपको 11,000 या 12,000 खाली 2,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हो और आपको एक गजब की टीवी मिल सकती है। लेकिन आप थोड़ा बहुत रुपये कम खर्च करते हो और प्लीज साथ में जब आप टीवी देखते हो कभी फंसती है टीवी, कभी कभी कोई ऐप्स खोल लो, मान लीजिए यूट्यूब खोला उस समय फंसने लग गया, खासकर जैसे मान लीजिए अमेजॉन या नेटफ्लिक्स पे कोई आप जो है ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म पे कुछ देख रहे हो उस पर फंसने लग गया। अगर आप मान लीजिए खासकर लोग क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट देखते समय किसी को भी भाई बिल्कुल डिस्टर्बनेस नहीं पता, उस समय मान लीजिए आप हॉटस्टार में क्रिकेट देख रहे हो टीवी में खोल करके, उस समय में अगर आपका जिटरनेस होने लग गया भाई साहब मूड ही खराब हो जाता है। यही सेम चीज़ आदमी 43 इंच या 4K टीवी में भी करता है। आपको मैं समझाना चाहूँगा, ये सारी की सारी टीवियों के लिए बोल रहा हूँ, QLED टीवी को भी साइड रखा जाए। खासकर अगर आप टीवी 45,000 या 35,000 तक की ले रहे हो तो उसमें भी यही होता है। खासकर जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, जैसे कि अभी एक टीवी आई थी थोड़े दिन पहले, हाँ कोडेक की टीवी, जितने रुपए में MI TV 5X एक 4K 43 इंच की टीवी दे रही है, उतने रुपए में कोडेक जो है QLED टीवी आपको दे दे रही है। जब मैंने उस टीवी को खुद देखा भाई साहब, इतने ज़्यादा फेडेड कलर हैं, आपको सच बता दे आपको जो MI TV 5X खाली 4K टीवी है ना, उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी लग रही है, मुझे QLED टीवी से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी लग रही है। तो ऐसी टीवी को कृपया करके मत लीजिए, आपके पैसे बर्बाद ही होंगे। ऐसी टीवी को दूर रखिए और सही टीवी लीजिए, जैसे कि MI TV 5X है, LG की टीवी ले लीजिए, सैमसंग की टीवी ले लीजिए, ये सब किंग माने जाते हैं। यहां तक कि हाइसेंस भी अपने टीवियों में बहुत बढ़िया कर रहा है और करता आ भी रहा, अभी से नहीं, बहुत पुरानी कंपनी हाइसेंस। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा इन सब टीवियों पर ध्यान दीजिए। अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि आजकल आपको प्रोसेसर पे भी ध्यान देना चाहिए किसी भी स्मार्ट टीवी को खरीदने से पहले। प्रोसेसर इन द सेंस, जैसे कि रैम, स्टोरेज और प्रोसेसर, इन तीन चीज़ को सैमसंग और LG को किनारे कर दो रैम के मामले में, क्योंकि ये लोग खुद का ही प्रोसेसर, खुद के ही स्टोरेज बनाते हैं, खुद के ही जो है सॉफ्टवेयर होता है इनका, खुद के हार्डवेयर होता है, तो उनके में जो है 2GB रैम की जगह 1.5GB की रैम चल जाएगी। लेकिन अगर आप 43 इंच की टीवी ले रहे हो, खासकर 43 इंच की टीवी ले रहे हो, मिनिमम से मिनिमम 2GB की रैम होनी ही होनी चाहिए, इससे कम रैम है 43 इंच की टीवी को मत लीजिए आप। 4K टीवी या 4 Full HD टीवी लो कोई भी, लेकिन 2GB रैम कम ना लो। हाँ, अगर आप 32 इंच की टीवी ले रहे हो तो आपके लिए 1GB रैम चल जाएगा और 1.5GB तक है तो और भी ज़्यादा अच्छा है। अब बात करी जाए स्टोरेज की, ठीक है, स्टोरेज में खासकर आपको बता देता हूँ, अगर आपकी टीवी में 16GB से कम की स्टोरेज है तो आप पेनड्राइव के थ्रू स्टोरेज बढ़ा सकते हो,
ठीक है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि भाई साहब क्योंकि पेन ड्राइव लगाते हो तो पेन ड्राइव की स्पीड उतनी तेज नहीं होती जितनी ज़्यादा इंटरनल स्टोरेज की स्पीड तेज होती है, तो मेरा कहना यह है 16 GB से कम की स्टोरेज वाली टीवीओं को मत प्रीफर करिए, मेरा आपकी रिकमेंडेशन रहेगी। जैसे कि OnePlus CV1+Y1S Pro बहुत अच्छी टीवी बनाई उन्होंने, पिक्चर क्वालिटी मेरे को अच्छी लगती, लेकिन उस समय में क्या हो जाता है स्टोरेज खाली 8 GB है जिसमें से 4 GB तो उनके खुद का सॉफ्टवेयर भर देता है, 4 GB स्टोरेज खाली मिलती है। वही MI में क्या है, MIDV5X में या फिर और किसी कंपनी की हाइसेंस की बात करें उसमें 4 GB की खाली उसमें सॉफ्टवेयर भरा हुआ तो 12 GB की आपको स्टोरेज खाली मिलती है, 3 गुना ज़्यादा स्टोरेज आपको खाली मिल रही है। ये सब चीज़ें ध्यान देनी है। प्रोसेसर की बात करिए तो प्रोसेसर में खासकर जैसे MEMC जो है सिस्टम उसमें जो है दिया गया हो, ऑटो लो लेटेंसी मोड दिया गया हो, ये सब चीज़ें आपको प्रोसेसर के साथ लग करके आ रही हो, क्योंकि जब आप जैसे MEMC क्या होता है, आप खासकर जैसे कोई फुटबॉल देख रहे हो, क्रिकेट देख रहे हो, एक्शन फिल्म्स देख रहे हो, तो उस समय में क्या होता है जब आप खेल रहे होते हो तो बहुत तेज़ी से जैसे तलवारें चल रही हैं या क्रिकेट बहुत तेज़ी से बॉल जा रही है तो आपको कई सारी बॉल दिखेंगी, जैसे मेरे हाथ है कई सारे दिखेंगे आपको, तो ये जिटरनेस को कम करता है, उसको एक बॉल है तो एक ही बॉल दिखे, कई सारी बॉल ना दिखे। साथ साथ में जैसे ऑटो लो लेटेंसी मोड क्या करता है, खासकर जैसे आप जो है PS5 लगा दो या कोई भी गेमिंग कंसोल लगा दो टीवी में, तो जो लेटेंसी मोड होता है, मतलब आपने तलवार या फिर गन अभी चलाई और वो 0.1 मिली सेकंड भी लेट चलती तो आप भाई साहब गेम हार जाओगे, 11th लेवल पे आके खड़े और हार गए तो ये चीज़ ना होनी चाहिए भाई साहब टीवी में, ठीक है। इन सब चीज़ों के तर्ज पे एक स्मार्ट टीवी को खास कर लेना। जब तीसरी चीज़ सबसे जरूरी चीज़ होती है किसी भी स्मार्ट टीवी में, वो होता है स्पीकर। स्पीकर जैसे अगर 32 इंच की टीवी ले रहे हो, मिनिमम से मिनिमम 20 वॉट की स्पीकर होने चाहिए, मत लीजिए टीवी अगर उससे कम वॉट के स्पीकर है। उसके ऊपर अगर आप 43 इंच की टीवी लेते हो तो आपकी टीवी में स्पीकर मिनिमम से मिनिमम कह रहा है 24 वॉट का होना चाहिए, लेकिन सच बताएं 24 वॉट के भी काम नहीं करते हैं अच्छे से, 30 वॉट के स्पीकर होने चाहिए। 30 वॉट के स्पीकर से अगर कम है 4K 43 इंच की टीवी ले रहे हो तो मत लीजिए, और अगर उसके ऊपर की टीवी ले रहे हो 450 या 55 इंच में तब भी 30 वॉट के चल जाएंगे। हाँ, 55 इंच में अगर 40 वॉट के मिल रहे हैं जैसे MIDV5X मिलते तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। इन सब चीज़ों को जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको अलग से 4,000-5,000 रुपये के एक साउंड सिस्टम खरीदना पड़ सकता है, वो ज़्यादा कॉस्टिंग आएगा आपके लिए। अब बात आती है, कई लोगों को पसंद है डॉल्बी एटमॉस जो है साउंड सिस्टम आपको मिल जाए, तो टीवी के अंदर जो स्पीकर लगे होते हैं वो डॉल्बी एटमॉस लिख तो देते हैं, लेकिन सच बताएं उसकी रियलिटी का खाली आपको 50% खाली मजा आने वाला फुल नहीं, आपको डॉल्बी एटमॉस के लिए अलग से स्पीकर खरीदने पड़े, क्योंकि डॉल्बी एटमॉस के स्पीकर अगर रियल में अगर आप खरीदते हो, जैसे आप एक अच्छी कंपनी का भी खरीदोगे तब भी आपको 20,000-25,000 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं, सोनी ओनी में जाओगे तब तो 1,00,000 रुपये तक डॉल्बी एटमॉस के स्पीकर आते हैं, 70,000-80,000 रुपये तक के आते हैं कभी कभी, तो ये चीज़ एक अलग मैटर है। बाकी अगर HDR10+ या HDR10 के कंटेंट देखना चाहते हो तो वो टीवी में जरूर होना चाहिए, ऑटो लो लेटेंसी मोड सब चीज़ें तो मैंने आपको बताई दी। इन सब तर्ज को अगर आप ध्यान रखते हुए अगर किसी भी स्मार्ट टीवी को लेते हो तो ही आपकी बढ़िया स्मार्ट टीवी होगी, नहीं तो आप सच बताएं आप गलती करोगे हमेशा, और आपकी टीवी 7-8 साल तक अगर गलत तरीके से चलेगी तो आपको परेशानी होगी। इन सब चीज़ों को जरूर ध्यान रखिए। साथ साथ में जो भी एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जैसे कि पेन ड्राइव के जो पोर्ट है उसमें मिनिमम से मिनिमम 2 होने ही चाहिए, अगर आप 43 इंच की टीवी ले रहे हो या 32 इंच की टीवी ले रहे हो तब भी 2 पोर्ट होने चाहिए, HDMI के 3 पोर्ट होने चाहिए, और साथ साथ में एक 2.1 HDMI पोर्ट होने चाहिए, साथ साथ में EARC सपोर्ट हो। EARC मतलब अगर डॉल्बी एटमॉस के स्पीकर अलग से लगाने तो लग जाए, साथ साथ में 2.1 उसमें HDMI पोर्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर गेमिंग कंसोल भी लगाना तब भी चल जाए और इससे आपकी बैंडविड्थ ज़्यादा तेज हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। साथ साथ में ऑप्टिकल केबल ईथरनेट ये लोग जो यूज़ करते हैं उनके लिए हर टीवी में मिलता ही मिलता तो इसकी चिंता नहीं, लेकिन हाँ ये पोर्ट्स की देखकर जरूर होती कई लोगों को, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। ये सब चीज़ें जब कंबाइन होती है तब आपकी टीवी एक बढ़िया पिक्चर क्वालिटी के साथ आपको एक बढ़िया चीज़ आपको प्रोवाइड कराती है, तो प्लीज़ जब इन सब चीज़ों का आपको जब ध्यान रहेगा ना तो आप एक बढ़िया टीवी ले सकते हो। अब बात आती है QLED टीवी की। QLED टीवी में जो हमने आपको पिछली चीज़ों बताई वो सब चीज़ें आपको ध्यान देनी ही देनी है, लेकिन एक अच्छी कंपनी की QLED टीवी खरीदनी है, मैं कुछ कंपनी आपको बता देता हूँ, उनकी टीवियों की जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपनी पसंदीदा टीवी खरीदते हो, चाहे QLED हो, चाहे 4K हो, चाहे 32 इंच की टीवी हो। अब बात करी जाए QLED, सैमसंग की अच्छी है पहली बात, उसके बाद OnePlus की अभी आई है, हालांकि महंगी है, 1,00,000 तक की टीवी मिली, 95,000 तक की उसकी अच्छी है। सोनी की अच्छी है, सोनी जैसे सोनी X80K ये टीवी अच्छी मिल जाएगी आपको QLED मामले में। MI की QLED टीवी अच्छी मिल रही है, हाइसेंस की QLED टीवी अच्छी मिल रही है। इन सब टीवियों के अगर कंपनी की टीवी लेते हैं तो आपको अच्छी मिल जाएगी, लेकिन जैसे आप कोडेक के ले लो, कैरियर के ले लो, एसर के ले लो, इन सब की QLED भाई साहब कूड़ा है। आपको सोचो कि 70,000 रुपये में QLED टीवी मिल रही है, यहाँ पे हमको 35,000 मिल जा रही है, तो मैं नहीं बोलूँगा, रिकमेंड नहीं करूँगा, पैसे बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा 4K टीवी ले लो 35,000 रुपये अगर आपको बजट है तो QLED के नाम पर मत भागो, ठीक है। मैं अपनी वीडियो यहीं पर खत्म करता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आती है प्लीज़ चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और कोई भी टीवी खरीदनी है उसकी लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।